टेम्परेचर का इफेक्ट जो है उसको हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में, ठीक है। डेल्टा एच आप देख रहे हैं -94.64 किलो जूल्स पर मोल। व्हाट डज इट मींस कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या है कि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड का रिएक्शन एंडोथर्मिक। और हमारे पास जो फ्रूटफुल प्रोडक्ट है यहाँ अमोनिया ही है, नेचुरल कि हमें अमोनिया ही चाहिए, अमोनिया हमारे लिए फ्रूटफुल है। तो हम फोकस इसी को करेंगे कि क्या ऐसा टेम्परेचर चेंज किया जाए जिससे ज़्यादा अमोनिया बने, कि टेम्परेचर में ऐसा कौन सा चेंज आ जाए। अब रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए टेम्परेचर ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ठीक। कि डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एज द रिजल्ट जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, उनकी कोलाइजन ज़्यादा होगी, जैसे हीट एब्जॉर्ब होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद वो हीट रिलीज करेंगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के केस में, कि वो अमोनिया बनाएंगे और वो हीट ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया कि डिक्रीज इन प्रेशर सॉरी टेम्परेचर विल फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एज द रिजल्ट टेम्परेचर एकदम से सिस्टम का डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उसको हीट चाहिए तो सही, क्योंकि रिएक्शन ने मूव करना है उसको हीट तो चाहिए, ठीक है ना। कि इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, कोलाइजन होने के लिए काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना ज़रूरी है, कि रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तभी जाकर वो प्रोडक्ट में बनते हैं। और आफ्टर बिकमिंग इन टू प्रोडक्ट स्टेट के प्रोडक्ट बनने के बाद कि आया वो जो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो एक्स्ट्रा थी वो निकलेगी या नहीं, ठीक है। नेट हीट जो हम देखते हैं ना कि वो एब्जॉर्ब हुई हुई हीट और जिस हीट प्रोडक्ट बनने के बाद जो हीट रिलीज हो रही है वो अगर नेट डिफरेंस नेगेटिव में है माइनस में है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ आ रही है या नहीं, आ रही है ना, ये अंडरस्टूड है। कोई भी रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बाद में हम डिफरेंस के उसमें देखते हैं कि रिएक्टेंट ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की माइनस जितनी प्रोडक्ट ने रिलीज कर दी, प्रोडक्ट बनने के बाद उस सिस्टम ने जितनी हीट रिलीज की और प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्टेंट ने कोलाइड होने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब की उसके बाद उसका नेट डिफरेंस देख के हम बताते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक मीन्स प्रोडक्ट जब बनी है तो ज़्यादा हीट रिलीज हुई, इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई जितनी हीट रिलीज हो चुकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक इसके वाइस वर्सा हो जाएगा। अब अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, एक ऑलरेडी सिस्टम ऐसा है जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको हम टेम्परेचर और डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, सिस्टम ने तो स्टॉप होना ही होना है, रिएक्शन ने तो स्टॉप की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो स्टॉप तो नहीं होगा, उसको चलना तो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ने में मूव तो करना है। अब वो सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट तेज़ी से एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन और एंडोथर्मिक के केस में इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसको देखें कि यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉरी डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करता है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को, ज़्यादा
अमाउंट में बनेगा अमोनिया, और इंक्रीज इन टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन में जिसमें अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर हो गया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की तरफ कि इफेक्ट ऑफ, अगर हम कॉन्स्टेंटली इस रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, एक्चुअली कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। क्लास खामोश। कैटलिस्ट जो है उसका काम है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना, ओवरऑल जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर। मीन्स अब रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड का भी हो रहा है, तो कैटलिस्ट टाइम को इफेक्ट करेगा, ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसने एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन की भी डिक्रीज कर देनी है और बैकवर्ड की भी डिक्रीज कर देनी है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि वो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्ट में कोई भी रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट एनर्जी गेन करते ही करते हैं। जब तक एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाए। ठीक है, एनर्जी इनटू ये है आपका रूट, कि जिस रूट से पाथ जो है, जिस पाथ से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट। स्टार्ट में अगर रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, ठीक है, इंक्रीज करेगी एक टाइम पे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज करके ये प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक अलग केस है, ठीक है, वो एक अलग केस है। तो रिएक्टेंट पहले एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके बाद मैक्सिमम पर पहुँच कर एनर्जी डिक्रीज होती है, तब जाकर प्रोडक्ट बनती है। अब ये जो एनर्जी बैरियर है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहना, कि इस बैरियर को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जितना थोड़ा होगा बैरियर, जितना कम होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगी, उतनी जल्दी गेन हो जाएगी ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी कम रिक्वायर्ड होगी, उतने जल्दी वो टाइम आ जाएगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि वो इस एनर्जी बैरियर को कम कर। अब रिएक्शन कैटलिस्ट ने कोई डिफरेंस नहीं करना कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मैंने करना या बैकवर्ड का, कैटलिस्ट ने दोनों रिएक्शन को इफेक्ट करना, क्योंकि उसका काम ही है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, बैकवर्ड की भी कम कर देगा। सो टाइम टू स्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम विल बिकम लेस, के जल्दी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। रेट जब दोनों तरफ से फास्ट हो जाएंगे, कैटलिस्ट दोनों डायरेक्शन के रिएक्शन का रेट फास्ट कर देगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर आपको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंसर्न नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए तो आप कैटलिस्ट ऐड। ठीक है, इस केस में आयरन भी प्लैटिनियम भी ऐड किया जाता है एज अ कैटलिस्ट सिंथेसिस के अमोनिया में। ठीक है, आयरन भी और प्लैटिनियम भी ऐड किया जाता है, ये दोनों कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट ऐड किए जाते हैं। ठीक है, कि ये जो कैटलिस्ट है वो इफेक्ट करेगा ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, स्पीड फॉरवर्ड की भी बढ़ाएगा बैकवर्ड की भी बढ़ाएगा। जब दोनों रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा, कि वो टाइम पीरियड, टाइम आपको कम लगेगा इस रिएक्शन को प्रोडक्ट अटेन करने में या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। सेम कैटलिस्ट यूज होगा रिएक्शन पूरा, एक रिएक्शन एक हो रहा है जिसमें अमोनिया और सॉरी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हो रहा है और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, ये तो एक ही है ना, एक ही कंटेनर में हो रहा है ना। ठीक है, ये सारा रिएक्शन एक ही असेंबली में हो रहा है, तो आपने उसमें कैटलिस्ट ऐड करना है, तो दोनों साइड की वो रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी स्टैब्लिश हो। ठीक है, क्योंकि उसने दोनों का ही करना है,
एंजाइम भी ऐसे करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए एक ही कैटालिस्ट होता है, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी जो करैक्टरिस्टिक या टाइप आप कह लो, तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है। उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो एनर्जी की कम हो रही है, वही इफेक्ट कर रही है। क्या हुआ मैम, वैसे अगर जनरल टर्म में देखें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, वो दोनों के लिए, दोनों के लिए कम। जो चीज फॉरवर्ड के लिए काम कर रही है वही चीज बैकवर्ड के लिए भी काम करेगी एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब इसको समराइज अगर हम कर लें कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करने से, प्रेशर डिस्टर्ब करने से, टेम्परेचर डिस्टर्ब करने से और कैटलिस्ट के एडिशंस। अब कंसंट्रेशन अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी किसी भी किस्म का ये रिएक्शन हो, ठीक है, उसमें अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाएगी तो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, ज़्यादा मूव करेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड का कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाएगी तो बैकवर्ड में मूव करेगा। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब रिएक्ट उसमें इक्वेशन हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में वॉल्यूम किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड है, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं मीन्स प्रेशर इफेक्ट करेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा। मैथमेटिकली कल हम इस चीज को देख चुके हैं कि के सी और के पी के रिलेशन में, आप मैथमेटिकली भी देख कि उस रिलेशन में के सी इज इक्वल टू के पी आर टी की पावर डेल्टा है, इसी तरह से के एक्स इज इक्वल टू के सॉरी के सी इज इक्वल टू के एक्स वन ओवर वी की पावर डेल्टा है। तो डेल्टा एन अगर जीरो होगा तो ना तो वॉल्यूम इफेक्ट करेगा, चेंज इन वॉल्यूम पर कोई का कोई इफेक्ट होगा, ना ही चेंज इन प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा अगर डेल्टा एन जीरो है। ठीक है, क्योंकि वो टर्म वन हो जाएगी। ठीक, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक, तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज। इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग या नंबर ऑफ मोल इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और नंबर ऑफ मोल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये प्रेशर का इफेक्ट था। अब आ जाते हैं टेम्परेचर की तरफ, कि टेम्परेचर को जब चेंज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो डिक्रीज इन टेम्परेचर को फेवर होगा, उसका फेवरेबिलिटी जो है वो डिक्रीज इन टेम्परेचर की होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर दैट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा उस रिएक्शन को, कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, इसकी रीज़न भी हम देख चुके हैं डिटेल में, इसकी रीज़न क्या थी। नाउ वी कम टू द कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट जो है वो किसी एक को नहीं फेवर करते, वो दोनों रिएक्शंस की स्पीड फास्ट करते, फॉरवर्ड की भी बैकवर्ड की। एज द रिजल्ट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का टाइम वो कम हो जाए और जल्दी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, ये था लीच एट्रियम प्रिंसिपल, अमोनिया की एग्जाम्पल के साथ किया है, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की भी एग्जाम्पल आ जाती है, और भी जितने इंडस्ट्रियल जो हैं केमिकल्स या जो भी रिएक्शन हैं, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं उनमें आप ये सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब रही बात पेपर में, तो ज़रूरी नहीं कि मैं अमोनिया को ही दूँ, मैं कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे सकती हूँ। आपको ये चीज़ फोकस रखनी है, ठीक है, कि ये इफेक्ट कैसे होगा, कि ये इक्वेशन है तो उस पर इन चीज़ों का इफेक्ट कैसे आएगा। रट्टा नहीं लगाना कि अमोनिया की थी तो हमने तो अमोनिया की पढ़ी थी, अमोनिया की क्यों नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अमोनिया की है, और भी आ सकती हैं बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन मैं उठा के दे सकती हूँ और पूछ सकती हूँ कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इस पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट लिखें,
इस पर कैटलिस्ट का इफेक्ट या इस तरीके से मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर, रीचैप्टर प्रिंसिपल।